संगत क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं अपन आज की करंट अफेयर की क्लास, लेकिन उससे पहले जो कल मैंने आपको पांच क्वेश्चन दिए थे, सबसे पहले उस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं विद डिटेल। उसके बाद मैं आपको वापस पांच क्वेश्चन दूंगा, उसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और उसके बाद अपन अपनी क्लास चालू करेंगे। सबसे पहले ये कल के पांच क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑरेंज द वर्ल्ड, ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान किससे संबंधित है? देखना, ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान है महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए। ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान है किसके लिए है? महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए। महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसाओं को रोकने के लिए ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान शुरू किया गया। अब इसके बारे में थोड़ी चीजें और देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑरेंज द वर्ल्ड महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं? एक तो आता है 8 मार्च, 8 मार्च इसका दिवस है। एक है 8 मार्च, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इस बार जो 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी। क्या थीम थी? आई एम जनरेशन इक्वलिटी। ठीक है, यह इंग्लिश में है आई एम जनरेशन इक्वलिटी। 8 मार्च को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना 8 मार्च को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्म दिवस भी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण दिवस है, वह है 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। यह मनाया जाता है 25 नवंबर को। महिलाओं के लिए दो महत्वपूर्ण दिन है, एक तो है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और दूसरा होता है 25 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए। चलता हूं दूसरे सवाल की तरफ। कौन से राज्य ने अपनी नई कृषि नीति जिसका नाम है समृद्धि का अनावरण किया है? ध्यान रखना वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा ने अपनी नई कृषि नीति 2020, उसका नाम है समृद्धि, उसका अनावरण किया है। देखिए, इस कृषि नीति में है क्या? किसानों की आय को बढ़ाना, उनको तकनीकी सुविधा देना ताकि वो कृषि में आत्मनिर्भर बन सके, इस तरह की कृषि नीति है उड़ीसा की। उड़ीसा की जो राजधानी है वह है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक और उनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। उड़ीसा के भुवनेश्वर जहां पर कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला जहां पर बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है, वहां पर 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी होना प्रस्तावित है। ये सब चीजें हैं उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा मैंने यह भी बताया था उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे अपन ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, और केंद्र सरकार उस कोणार्क के सूर्य मंदिर का 100% सौरीकरण, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वह सोलर पैनल से मिलेगी, इसकी एक योजना बना रही है। चलता हूं अगले सवाल पर। भारत वंदना पार्क कहां बन रहा है? ध्यान रखना भारत वंदना पार्क नई दिल्ली में बन रहा है। कहां पर बन रहा है? नई दिल्ली। भारत वंदना पार्क नई दिल्ली में बन रहा है। इसमें होगा क्या?
इसमें तरह तरह के फन पार्क होंगे, जिस तरह से फन पार्क हो गए, एम्यूजमेंट पार्क हो गए, वाटर पार्क हो गए, इस तरह की यह योजना है भारत वंदना पार्क। और इसका उद्घाटन किया किसने, तो ध्यान रखना भारत वंदना पार्क का उद्घाटन किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। और यह प्रस्तावित है कि भारत वंदना पार्क 2022 तक पूरा हो जाएगा, भारत वंदना पार्क 2022 तक पूरा हो जाएगा। चलता हूं अगले सवाल पर। भारत कौन से देश से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, भारत कौन से देश से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, तो इसका आंसर है इराक। ध्यान रखना मैं ईरान नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इराक। इराक देखो, ईरान की राजधानी तेहरान है, लेकिन इराक की राजधानी बगदाद है, इराक की राजधानी है बगदाद। कंफ्यूज मत होना, भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता है वो खरीदता है इराक, इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की करेंसी है दिनार, इराकी दिनार, इराक की करेंसी कौन सी है, इराकी करेंसी है दिनार। भारत सबसे पहले, भारत पहले ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए, इस कारण भारत अब ईरान से नहीं इराक से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। बात करता हूं अगले सवाल की, भारत कौन से देश से सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस खरीदता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कतर। कतर, भारत सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस किससे खरीदता है, तो वह है कतर। कतर की राजधानी, कतर की राजधानी है दोहा, और जहां पर 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है। ये सब चीजें हैं कल के क्वेश्चन की, कल के दिन के 5 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिए। इस तरह से आप अगर रोज रोज 5-5 क्वेश्चन का रिविजन करोगे, अपने आप अपने स्तर पर सर्च करोगे, तो आपके अंदर जिज्ञासा होगी, आपके अंदर एक प्रोत्साहन होगा कि मेरे को करंट अफेयर सीखना है, मेरे को अपना जीके इंप्रूव करना है। अब इसी के भावना के साथ अपन आज के पांचवें करंट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ये आज के 5 क्वेश्चन है करंट अफेयर के। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आईसीसी कौन से साल से 5 दिवसीय टेस्ट मैच को समाप्त करने की योजना बना रही है। देखिए आईसीसी आपको पता ही होगा, मैंने कितनी बार रिवीजन करवा दिया है, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई, इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है, इसका जो चेयरमैन है वह है शशांक मनोहर, और इसका जो सीईओ है वह है मनु सहनी। अब आपको बताना है कि आईसीसी ने कौन से साल से 5 दिवसीय टेस्ट मैच को समाप्त करने की योजना बनाई है। दूसरा क्वेश्चन, फ्लेमिंगो त्योहार कौन से राज्य का है, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया है कि लाई हरोबा, मैंने आपको बताया था लाई हरोबा त्योहार वह कौन से राज्य का था, तो लाई हरोबा त्योहार था त्रिपुरा का। इसके अलावा मैंने बताया था आपको नमस्ते ओरछा त्योहार, कौन सा त्योहार था, नमस्ते ओरछा त्योहार वह कौन सा राज्य का था, तो नमस्ते ओरछा था मध्य प्रदेश का। तो उसी तरह आपको बताना है कि फ्लेमिंगो त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है। तीसरा, रावण आर्यभट्ट का शत्रु पुस्तक के लेखक कौन है, ध्यान रखना पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, रावण आर्यभट्ट का शत्रु पुस्तक का लेखक कौन है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक पुस्तक करवाई थी, उसका नाम था गन आइलैंड। पुस्तक के लेखक कौन थे, उसके लेखक थे अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। कौन सी भाषा के लिए मिला है, तो आ जाएगा इंग्लिश के लिए। अगर बात करो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसको मिला, तो वो आ जाएगा अखितम को। कौन सी भाषा के लिए मिला, तो आ जाएगा मलयालम। इस तरह से इंटरलिंक करके चीजों को याद करना। अगला क्वेश्चन, किशोरी शक्ति कार्यक्रम कौन से राज्य में आयोजित हुआ, किशोरी शक्ति कार्यक्रम किशोरियों को अर्थात लड़कियों को और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से है, वह कार्यक्रम कौन से राज्य में आयोजित हुआ, आपको राज्य का नाम बताना है। अगला, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला है जो डीआईजी के पद पर तैनात हुई है, आपको उस महिला का नाम बताना है। वर्तमान में बहुत सारी महिलाएं थी जो चर्चा में आई है,
जिस तरह से मैंने आपको बताया था, एक मलावथपूर्णा, मलावथपूर्णा तेलंगा की, तेलंगाना की पहली आदिवासी महिला थी जिसने 6 महाद्वीपों की 6 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर रिकॉर्ड कायम किया था, एक मलावथपूर्णा हो गई। उसके बाद मैंने आपको नाम बताया था शिवांगी का, शिवांगी पहली भारतीय नौसेना पायलट बनी। उसके अलावा अमनी चतुर्वेदी, मोहना कांत और भावना दास, ये 3 महिलाएं थी जो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिलाएं बनी। इस तरह से जो पहली महिला है वह काफी न्यूज में रहती है, एग्जाम के अंदर इनका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको इन सब के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य देने हैं। आप जितना आंसर दोगे उतना आपका जीके इंप्रूव होता चला जाएगा। चलते हैं आज की क्लास पर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने न्यूमोनिया से शिशु मृत्यु दर, न्यूमोनिया से शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। सबसे पहले बात करता हूं स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तो आ जाएगा वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, आ जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो मैंने आपको कल भी बताया था चांदनी चौक नई दिल्ली इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अब न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से शिशु मृत्यु दर हो रही है, मतलब न्यूमोनिया, न्यूमोनिया क्या होता है, एक तरह का वायरल इंफेक्शन है, वायरल मतलब वायरस से होता है ये। न्यूमोनिया से जो शरीर में कफ होते हैं, लंग्स के अंदर कफ जम जाता है, इस कारण शिशु की मृत्यु तक हो जाती है। और भारत में इसकी मृत्यु दर लगभग देखी गई है 1000 पर लगभग 16 बच्चे, 1000 पर लगभग 16 बच्चे न्यूमोनिया से ही मर जाते हैं। अगर अपन परसेंटेज की बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि 100% में से लगभग 40% बच्चे, 100 में से लगभग 40% बच्चे न्यूमोनिया के शिकार होते हैं। इस कारण भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय में एक अभियान जारी किया है न्यूमोनिया से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। अब आपको बताना है कि उस अभियान का नाम क्या है। देखिए इस अभियान का नाम है सांस, क्या नाम है, सांस। और नरेंद्र मोदी सरकार की विशेषता यह भी है कि वह कोई भी अभियान का नाम चलाती है तो उसका फुल फॉर्म जरूरी होता है, उसका फुल फॉर्म भी होता है। तो देखो सांस का फुल फॉर्म क्या है, सांस का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। क्या है, सोशल अवेयरनेस मतलब सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, एंड एक्शन, एक्शन करना टू न्यूट्रलाइज नमोनिया मतलब नमोनिया को कम करने के लिए सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। इस तरह से ये इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्योंकि एग्जाम ऐसे पूछ लेगा सांस में एन किसके लिए आता है, SAANS में एन किसके लिए आ रहा है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा एन का मतलब है न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलता हूं अगले सवाल पर। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देश की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन सी है। देखिए देश की पहली है लेकिन एशिया की दूसरी है, यह देश की तो पहली है लेकिन एशिया की दूसरी ग्लोबल एक्टिव सिटी है। एशिया की कौन सी है, सेकंड नंबर। ग्लोबल एक्टिव सिटी का मतलब देखिए, ग्लोबल एक्टिव सिटी का मतलब होता है कि उस सिटी के लोग, उस शहर के लोग अपने अपने खान पान के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर, अपने एक्सरसाइज पर बराबर ध्यान देते हैं, अपनी हैप्पीनेस पर वह खुश रहना पसंद करते हैं, तो उस तरह से यह ग्लोबल एक्टिव सिटी का अवार्ड दिया जाता है। भारत में पहली एक्टिव, भारत में पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी मिली है और वो सिटी है बोकारो, बोकारो भारत में पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी है, और जो बोकारो है वह है झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर है बोकारो। और बोकारो असली नाम क्या है, बोकारो स्टील सिटी बोलते हैं इसको, और यहाँ के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है। और मैंने आपको बताया है कि देश की तो पहली
ग्लोबल एक्टिव सिटी है और एशिया की दूसरी है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि एशिया की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन सी है, तो उसका नाम है, उसका नाम है करासियाका। करासियाका यह एशिया की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी है, और करासियाका किस जगह पर है, तो यह ध्यान रखना यह है तुर्की में। तुर्की बोल लो, टर्की बोल लो, कुछ भी बोल लो, तुर्की में है करासियाका, और करासियाका एशिया की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी है। अब आपको दिमाग में ध्यान रखना है तुर्की की राजधानी, तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी क्या है, वह है अंकारा। तुर्की की राजधानी है अंकारा। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है, नहीं, तुर्की की राजधानी अंकारा है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, चलता हूं अगले सवाल पर। देखिए खादी ग्रामोद्योग कमीशन KVIC, अपन इसको शॉर्ट में बोलते हैं KVIC, खादी विकास एंड ग्रामोद्योग कमीशन ने हाल ही में लेदर मिशन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की है, लेदर मिशन। लेदर मिशन की शुरुआत कहां से की, तो ध्यान रखना खादी व ग्रामोद्योग कमीशन ने जो लेदर मिशन की शुरुआत की है वह की है राजस्थान के सिरोही से। राजस्थान के सिरोही से KVIC ने लेदर मिशन की शुरुआत की है। अब ध्यान रखना यह जो शुरुआत की है वह किस दिन की है, वह की है वर्ल्ड ट्राइबल डे, मतलब विश्व जनजाति दिवस के दिन की है। किस दिन की है, विश्व जनजाति दिवस, और यह विश्व जनजाति दिवस मतलब वर्ल्ड ट्राइबल डे, वर्ल्ड ट्राइबल डे कब पड़ता है, तो अजेंडा यह पड़ता है 9 अगस्त को, यह पड़ता है 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस पड़ता है। इस दिन खादी व ग्रामोद्योग कमीशन ने लेदर मिशन की शुरुआत की। अब यह भी ध्यान रखना KVIC का चेयरमैन कौन है, तो KVIC का चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। KVIC का चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। और इस लेदर मिशन के अंतर्गत होगा क्या कि जो लेदर बनाने वाले कारीगर हैं उनको लेदर के किट दिए गए हैं, और लेदर को प्रमोट करने के लिए लेदर मिशन की शुरुआत खादी व ग्रामोद्योग मिशन ने की है, उसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। कहां से शुरुआत हुई है, तो ध्यान रखना सिरोही राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई है। चलते अगले सवाल पर। देखिए अभी गृह मंत्री हैं हमारे भारत देश के, वह है अमित शाह। अमित शाह ने एक ग्रंथ मतलब एक पुस्तक का विमोचन किया है, और उस पुस्तक का नाम है कर्मोदय ग्रंथ। पुस्तक का नाम ध्यान रखना, क्या नाम है, कर्मोदय ग्रंथ। यह किस राजनेता के जीवन पर आधारित है, तो नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर और मुरली मनोहर जोशी में से कौन सा वो राजनीतिक नेता है जिस पर यह पुस्तक कर्मोदय ग्रंथ आधारित है, तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। वह राजनीतिक नेता है जिस पर यह पुस्तक लिखी गई है कर्मोदय ग्रंथ, और इसका विमोचन किसने किया, वह किया अमित शाह ने, भारत के गृह मंत्री ने। नरेंद्र मोदी ने एक पुस्तक और लिखी थी और वह बहुत एग्जाम में पूछी भी गई है। कौन सी पुस्तक थी वह थी एग्जाम वॉरियर्स। क्या नाम था पुस्तक का, एग्जाम वॉरियर्स वह पुस्तक थे जो नरेंद्र मोदी ने लिखी थी। अब बात करता हूं अरुण जेटली की। अरुण जेटली भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, इन्हीं के टाइम में GST आया था। अरुण जेटली के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम रखा गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो दिल्ली में था उसका नाम परिवर्तित करके अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया। अरुण जेटली को 2019 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। बात करता हूँ मनोहर पर्रिकर की। जब 2014 में BJP की सरकार बनी थी उस समय मनोहर पर्रिकर भारत के रक्षा मंत्री बने थे।
लेकिन बाद में इनको गोवा का मुख्यमंत्री बना दिया गया और 2019 में इनको मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला मुरली मनोहर जोशी, ये बीजेपी के एक वयोवृद्ध नेता है। चलता हूं अगले सवाल पर। देखिए, सेव ग्रीन और स्टे क्लीन, मतलब हरियाली को बचाओ और खुद साफ सुथरे रहो, नाम क्या है कैंपेन का? सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है सेव ग्रीन स्टे क्लीन, हरियाली को बचाओ और खुद साफ सुथरे रहो। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वह आप सबको पता होगी, ममता बनर्जी दीदी भी बोलते हैं उन्हें। क्या नाम है? ममता बनर्जी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। इसके अलावा मैं बात करता हूं पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो एक आ जाएगा बक्सा, बक्सा। अगला आ जाएगा गोरुमारा, बक्सा, गोरुमारा, बक्सा हो गया, गोरुमारा हो गया। इसके अलावा और आ जाएगा जल्दापारा और सुंदरबन, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। यह चार राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कौन कौन से? बक्सा हो गया, गोरुमारा हो गया, जल्दापारा हो गया और सुंदरबन हो गया। सुंदरबन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी बनाती है, यह भी चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से ये सब चीजें हो गई। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां मैंने आपको कितनी बार रिवाइज करा दी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, जो गवर्नर है वो भी मैंने आपको बता दिया काफी बार। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 5 डेप्यूटी सीएम है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने एक अधिनियम लॉन्च किया है और उस अधिनियम का नाम है दिशा अधिनियम। महिला को जो रेप विक्टिम होती है उनको त्वरित से त्वरित न्याय दिलाने के लिए आंध्र प्रदेश का यह अधिनियम है। ठीक है, ये सब चीजें हो गई है। चलता हूं अगले सवाल पर। देखिए, कौन से राज्य ने बिजली से संचालित होने वाली बस, बस का नाम क्या है? सिवाय, देखिए बस है वो बिजली से संचालित हो रही है और उस बस का नाम क्या रखा है? उस बस का नाम रखा है सिवाय। वह कौन से राज्य ने शुरू की है? तो ध्यान रखना वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने बिजली से संचालित होने वाली बस और बस का नाम रखा है सिवाय शुरू की है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और वर्तमान में 21 मई को उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की है। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र की गवर्नर, तो ध्यान रखना क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, यह है महाराष्ट्र के गवर्नर। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजधानी तो आ जाएगी मुंबई। महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो आ जाएगा तड़ोबा, चंदोली, नवेगांव और संजय गांधी। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो ध्यान रखना, एक तो है तड़ोबा, दूसरा है चंदोली, तीसरा है नवेगांव और चौथा है संजय गांधी। यह चार नेशनल पार्क कहां है? महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक का मंदिर भी है। महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक का मंदिर है, गजानन जी का मंदिर है। चलता हूं अगले सवाल पर। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से पूर्व खिलाड़ी को भारत गौरव सम्मान दिया गया। पुरस्कार का नाम है भारत गौरव सम्मान, तो वो कौन से खिलाड़ी को दिया गया? तो ध्यान रखना वह खिलाड़ी है कपिल देव। कपिल देव को भारत गौरव सम्मान दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि जो 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था, जो भारत ने जीता था, उसकी कैप्टन कौन थे? उसके कैप्टन थे कपिल देव। इसके अलावा कपिल देव 1999 से लेकर 2000 तक भारत की नेशनल टीम के कोच भी रहे। इस कारण कपिल देव को भारत गौरव सम्मान दिया गया।
इसके अलावा अनिल कुंबले, अनिल कुंबले का नाम अभी न्यूज में था क्योंकि आईसीसी, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी किसके लिए थी? वह कमेटी थी कि जो कोरोना महामारी के दौरान बॉल के ऊपर अपन लाल लगा के बॉल को साइन करते हैं उसे रोकने के लिए, या उस पर एक कमेटी बनाई गई थी। मतलब अगर उसको अपन दूसरे शब्दों में बोले तो बॉल टेम्परिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वह थे अनिल कुंबले। अनिल कुंबले नाम ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है यह कमेटी, बहुत महत्वपूर्ण है यह कमेटी, नाम ध्यान रखना अनिल कुंबले। आईसीसी मैंने आपको रिवाइज करवा ही दिया अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। चलता हूं मैं अगले सवाल पर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ? क्या है महिला विज्ञान कांग्रेस? लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था भारतीय विज्ञान कांग्रेस, कौन सा बताया था मैंने? भारतीय विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो 107वां संस्करण था, 107वां संस्करण था वह बेंगलुरु में आयोजित हुआ, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो 107वां संस्करण था वह बेंगलुरु में एक कृषि विकास यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ था। तो जो महिला, जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस था उसी के साथ साथ उसी के पैरेलल महिला विज्ञान कांग्रेस भी हुआ, महिला विज्ञान कांग्रेस भी हुआ। और इसका भी आयोजन कहाँ हुआ? इसका भी आयोजन हुआ है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर इसका भी आयोजन हुआ है, ठीक है। और यह ध्यान रखना महिला विज्ञान कांग्रेस, महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उद्घाटन किया टैसी थॉमस ने। क्या नाम है उसका? टैसी थॉमस, टैसी थॉमस, टैसी थॉमस ने भारतीय महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। हिंदी में लिख रहा हूं मैं यहां पे, टैसी थॉमस ने भारतीय महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। अब काफी लोगों को यह नाम पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि टैसी थॉमस को भारत की इंडियन वुमेन ऑफ मिसाइल मैन बोलते हैं। जैसे अपन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। इसी तरह टैसी थॉमस को बोलते हैं अपन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। टैसी थॉमस कौन है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है टैसी थॉमस। जिस तरह से अपन एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। चलता हूं अगले सवाल पर। देखिए सुदर्शन पटनायक पहले भारतीय है जिन्हें गोल्डन सैंड अवार्ड 8 अवार्ड से नवाजा गया। यह पुरस्कार कौन सा देश देता है? ध्यान रखना नाम क्या है? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को कौन सा पुरस्कार मिला? तो आ जाएगा गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड। यह कौन से राज्य से है? यह ध्यान रखना यह भी उड़ीसा से संबंधित है। उनको यह पुरस्कार कौन से राज्य ने दिया? तो उनको यह पुरस्कार दिया इटली ने, उनको यह पुरस्कार दिया इटली ने। देखिए मैं आपको अगली पिक्चर बता रहा हूं। देखिए यह है सुदर्शन पटनायक, यह है सुदर्शन पटनायक, और यह इस तरह से आप ये पिक्चर देख रहे होंगे वर्ल्ड पीस का संदेश देते हुए। यह जो पिक्चर है यह बनाई है सुदर्शन पटनायक ने, और सुदर्शन पटनायक को इन्हीं सैंड आर्ट के कारण गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड इटली की सरकार ने दिया, ठीक है। इसके अलावा चलता हूं अगले स्लाइड पर। देखिए यह मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो इटली है वह कहां है। देखिए यह है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, प्यारा भारत। उसके मैं इस तरफ जाता हूं पश्चिम दिशा की तरफ जाता हूं तो यह आ गया पाकिस्तान, यह आ गया अफगानिस्तान, यहां पे आ गया ईरान, उसके बाद आ गया यह इराक, उसके बाद मैं यहां पर मध्य एशिया को क्रॉस करके यहां पर आया तो यह आ गया भूमध्य सागर। यह जो सागर है यह है भूमध्य सागर। आपको उम्मीद कर रहा हूं कि क्लास दिख रही होगी, अगर मैप आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। यह आ गया भूमध्य सागर, और यह जो ऑरेंज कलर के अंदर जो आपको दिख रहा है
यह है इटली, यह है इटली। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी कौन सी है? इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी है रोम, और रोम के अंदर ही FAO का हेडक्वार्टर है। FAO, FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम के अंदर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम के अंदर है। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वह है रोम के अंदर। अब थोड़ी सी मैं मैप के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को एक दूसरे से अलग करता है। उसके बाद यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, ये आती है स्विस कैनाल। स्विस कैनाल से अपन यहाँ पे आते हैं तो ये जो जगह है वह है रेड सी, और रेड सी से अपन यहाँ पे निकलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अरब सागर, यहाँ पे आ जाएगा अरब सागर। यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि यहाँ पे पड़ता है ओमान, तो यहाँ पे आ जाएगा गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पे भारत ने बंदरगाह बना रखा है, और उस बंदरगाह का नाम है चाबहार बंदरगाह, और उसी के पास में पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चाइना ने एक बंदरगाह बना रखा है, और उस बंदरगाह का नाम है ग्वादर बंदरगाह। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैप आप देख लिया करो ताकि आपको मैप भी रिवाइज होता रहे। चलता हूँ अगले सवाल पर। देखिए, यह आज की अंतिम स्लाइड थी, यह आज की अंतिम स्लाइड थी। आज अपन क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैंने जो 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं वह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे जो कमेंट, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं 5, उनका आंसर देना न भूलें। धन्यवाद।